हम हैं डायरेक्टर ऑफ द फिल्म पी आर शी खान हैं, ये अनुराग सिंह तोनर हैं और ये हमारे डीओपी हैं सुहास जी, और ये हमारी शूटिंग हो रही है। किस फिल्म की शूटिंग हो रही है और क्या शॉट है, आप उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी इस फिल्म का नाम है त्राहिमाम और आज हम लोग इसमें पुलिस स्टेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट सीन कर रहे हैं जहाँ पे कि अर्शी खान जिन्हें कि सारे पुलिस वालों ने परेशान कर रखा है, अब इन पुलिस वालों से बदला कैसे लेती हैं ये आपको फिल्म देखने का पता लगेगा। शी इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बोलते हैं ना कि जो जितना फलदार वृक्ष होता है उतना ही झुकता है, तो अर्शी इज़ लाइक दैट। बहुत ही हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं लेकिन बहुत अच्छी अदाकारा है और बड़े प्रेम से ये शायद ये फिल्म हम लोगों ने कब कंप्लीट होगी हमें खुद नहीं पता लगा, पता ही नहीं चला। मेरे डीओपी हैं सुहास भाई और बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे टेक्नीशियन हैं, इनफैक्ट आई लर्न लॉट फ्रॉम हिम। और अनुराग हैं, बाकी और आर्टिस्ट हैं, क्योंकि सारे आर्टिस्ट नहीं है सेट पे, तो बड़े मस्ती में ये फिल्म कंप्लीट हो गई। सर अगर बात करें तो फिल्म की स्टोरी, आप कुछ ना कुछ अलग अलग स्टोरी आप लेके आते हो, ये स्टोरी आपको कहाँ से आई, ये स्टोरी रियल स्टोरी है कि किस तरह की स्टोरी है? ये रियल कहानी एक है, उस पर बेस्ड स्टोरी है और ये ऐसी घटनाओं को लेके हम लोगों ने इस फिल्म को बनाया है जो कि आज भी हमारे समाज में आम है और इस बात को सब लोग जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक जो दया का भाव या एक जो मानवता का भाव होना चाहिए वो हम लोग नहीं रखते अपने मन में, तो शायद इस फिल्म को देख के थोड़ा सा मानवता का भाव जागेगा लोगों में। लेकिन अनदर थिंग मैं फिर कहूँ, इट्स नॉट अ आर्ट फिल्म, इट्स अ कमर्शियल फिल्म। आपको इसमें अर्शी खान के जलवे देखने को मिलेंगे, सुहास भाई की फोटोग्राफी देखने को मिलेगी, मेरा डायरेक्शन देखने को मिलेगा, अनुराग की एक्टिंग देखने को मिलेगी, और भी आर्टिस्ट है, सुना पंकज बेरी हैं, मुश्ताक खान है, आदि ईरानी है, तो कमाल के एक्टर हैं और आपको इस फिल्म में निश्चित तौर पर बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी लग रहा था क्योंकि मैं आपने देखा होगा मैं रोती भी हूँ तो मेरा चेहरा हंसता हुआ लगता है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता था। सलमान भी ये पूछते थे रो रही हो कि हंस रही हो, जब आंसू निकलते थे तब क्योंकि वो हंसते हुए भी ऐसे ऐसे रोती हूँ मैं, तो मुझे यही लग रहा था कि यार मैं इतना डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है जिसमें आपको अपने इमोशंस दिखाने और एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो फ़नी लगे, क्योंकि मेरी इमेज हमेशा से फ़नी कैरेक्टर और बड़े इंटरटेनर इस टाइप की रही है, तो डिफ़िकल्ट था बट अच्छा किया। सर को नई प्रॉब्लम नहीं हुई ना सर? मुझे क्या बात है, क्योंकि सर ही डिसाइड करेंगे ना, बिकॉज़ डायरेक्टर साहब ही बता सकते हैं, डीओपी बता सकते हैं, हमारे वेरी वेरी ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट। यस आई रियली लाइक दिस, मुझे बड़ा खाना खाने देते लेकिन पहले जब इनको ये देखा ना कि अरे चलो हो गया, हाँ हो गया, चलो दूसरा नेक्स्ट सीन, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था कि टाइम की बचत भी करते हैं और फटाफट काम करवाते हैं, और हमारे डीओपी भी ऐसे हैं, वो भी फटाफट काम निकालते हैं। बेसिकली ये फिल्म क्योंकि एक बड़े हार्ड सब्जेक्ट पे है और बहुत एक माफिया की कहानी है, तो जनरली हम आम अगर जीवन में देखें तो उसमें ये गाने वाने होते नहीं हैं आम जीवन में, तो इसीलिए इस फिल्म में जो इस फिल्म की जो जान है डेफिनेटली आर्टिस्टों के बिना, आर्टिस्ट तो फेस होते हैं फिल्म का, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म की एक अनदर यूएसपी होगी, उस पर डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छे कई गानों पर भी काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको एक अच्छा संगीत भी सुनने को मिलेगा। अब सीन तो आपको फिल्म, मैंने आपको बोला ना कि पुलिस वालों ने अर्शी खान को परेशान किया, अर्शी खान करके बाहर वालों ने टॉर्चर किया, जब वो पुलिस के पास आई तो पुलिस वालों ने भी टॉर्चर कर दिया। अब ये क्या करने वाली हैं पुलिस वालों का, ये आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। बहुत बहुत चालू पुलिस वाले बहुत चालू है, मेरा चेहरा देख के लगता है मैं चालू। अरे बिल्कुल बहुत चालू है। फिल्म के बारे में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है ये काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट पे बन रही है, जो एक सोशल मैसेज जा रहा है जो शायद कहीं ना किसी तरीके से लोगों तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि यार ये हो गया चलो छोड़ो जाने दो। बेसिक रीज़न ये है कि मेरा दुष्यंत सर के साथ काम करने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत टाइम से काम करना चाहता था और मुझे, मैंने स्टोरी नहीं सुनी, मैंने कोई नरेशन नहीं लिया, कुछ नहीं, बस सर ने बोला कि ऐसे ऐसे एक काम है करना है, तो मैं आई वॉज रेडी एंड गो ऑन दैट। दबंग पुलिस वाला नहीं कह सकते, थोड़ा सा करप्ट है जैसे पुलिस वाले होते हैं, बस है बस है पुलिस वाला, लेकिन आप देख सकते हैं ना अटायर से कि मासूम सा पुलिस वाला बहुत मासूम है, बहुत मासूम है।
ऑफकोर्स ऑफकोर्स ऑफकोर्स, बिना फिल्म देखे कैसे काम चलेगा? हाँ सर, आप बताइए फिल्म के बारे में। देखिए, दुष्यंत जी के साथ मेरा ये सेकेंड फिल्म है। पहले हमने एक फिल्म किया था, वो एक अलग सब्जेक्ट पे था, और ये जो सब्जेक्ट है, जब हम लोग बैठे थे सुनाने, लोग बैठे थे, तो इट्स टोटली डिफरेंट और एक बहुत ही अलग एज ए सिनेमाटोग्राफी या एज ए फ्रेमिंग वाइज, बिकॉज इट इज़ ए वेरी रियल स्टोरी। सो हम लोग कैसे किए कि क्या इसका कलर पैलेट क्या होगा, कैसे हम इसको शूट करेंगे, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द स्टोरी, अबाउट द लाइटिंग पैटर्न कैसे होगा। तो फाइनली एक पैटर्न में हो गया, एंड ऑल ऑथेंटिक लुक, रियलिस्टिक लुक, और वैसे हमने प्लान किया इसको बहुत ही अच्छे से शूट किया हुआ है। अब ये प्लान तो एक्चुअली मेरे पास एक ऐसा आर्टिस्ट की डेट मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत मतलब मुश्किल है। जहाँ मैं जब काम करते हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ, हमारी मूवी पहले ही कंप्लीट हो गई होती है, जैसे ही यहाँ से जब पैकअप किया जाती हूँ मैं चिंता हो जाती है अभी अगली डेट कैसे मैनेज करूँ। बट आई होप कि May 1st में 100% वी आर इन अ थिएटर, और सब गॉड ब्लेसिंग सही। तो मैं समझता हूँ कि अर्शी खान को आप सब एक नए रूप में देखेंगे। एंड इट्स अमेजिंग मूवी, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी स्टोरी है, और मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ग्लैमरस लुक है जो आजकल जो चलते हैं बहुत। मैं जैसे एक वक्त में एक पंकज कपूर की बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज आती थी, जो रूई का बोझ एंड टाइप, इस तरीके की मूवी है, बड़ी खूबसूरत और स्टोरी बहुत अच्छी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे पास एक ऐसी एक्ट्रेस है भाग्यवश जो कि हर ड्रेस में खूबसूरत लगती है, कहते उसे गरीब दिखाना था लेकिन वो रिच दिख रही थी, रिच दिखे, कहते थे कुछ करो कुछ करो इसके साथ, तो कपड़े फाड़ दिए। नहीं, अर्शी डिड वेल, और सबसे बड़ी बात, एक आर्टिस्ट अच्छा तभी होता है जब वो एक खूबसूरत इंसान होता है। शुक्रिया, बहुत अच्छी सोल है, और हम लोगों का रिश्ता बहुत एक बड़ा इलाइट और बड़ा क्लासी है। हम जब भी हमारी बात होती है फ़ोन पे, हम लोग डिस्कस करते हैं तो बहुत एक सिंसियर लेवल पे हम लोगों का डिस्कशन होता है, फिर कभी कभी मजा कर देते हैं बीच में। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मैंने अब तक के मेरे कैरियर में जो कुछ चुनिंदा ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हमेशा याद रहेंगे या मुझे इंस्पायर करते हैं, तो शी इज़ वन ऑफ देम, और आई एम सो हैप्पी टू वर्क विद। कल अपना लास्ट डे शूटिंग का, और उसके बाद फिर रॉक एंड रोल हम लोग स्टार्ट कर देंगे। एंड मैं ये विश करता हूँ कि आप लोगों से ऐसे ही बार बार हम लोगों की मुलाकात होती रहे, होती रहे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी मिलेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। जिस दिन पूजा, क्या होता है, पूजा करते हैं, नारियल तोड़ेंगे, उस दिन बुलाएंगे, मुहूर्त बहुत जल्दी बुला।